नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मीन लगन व मीन राशि के लिए शनि महाराज के वक्री होने का फल। शनि महाराज 17 जून 2023 से वक्री होने जा रहे हैं और वो 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। शनि महाराज के वक्री होने का प्रभाव मीन लगन व मीन राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इस बात का विचार करेंगे। अगर हम वर्तमान में देखें मीन लगन और मीन राशि की बात करें तो मीन राशि पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है, जो कि 17 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुई है, क्योंकि शनि महाराज चंद्रमा से 12वें चल रहे हैं। शनि महाराज चंद्रमा से 12वें चल रहे हैं, इसके कारण मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अब शनि महाराज इस समय आपके द्वादश में है। 17 जून को जैसे ही शनि महाराज वक्री होंगे, वो द्वादश में होने के कारण पीछे की तरफ आएंगे और पीछे की तरफ पड़ती है मकर राशि, जो आती है आपके लाभ भाव में। और मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि शनि महाराज 3, 6 और 11 का अच्छा फल देते हैं। एकादश भाव होता है हमारा इच्छा पूर्ति का भाव, हमारा लाभ का भाव, धन लाभ का भाव, हमारा काम होने का भाव, हमारे रुके हुए काम होने का भाव। तो जब शनि महाराज लाभ भाव को प्रभावित करने लगेंगे तो मान के चलिए कि मीन राशि पर जो समय शनि की 7.5 चल रही है, तो 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक का ये जो समय है शनि के वक्री रहने का, वो मीन लगन व मीन राशि के लिए एक राहत का समय होगा कि शनि महाराज आपके लाभ भाव को एक्टिवेट करेंगे, जिसके कारण आपके कामों की गति तेज हो जाएगी। सबसे पहले बात कि आपके 17 जनवरी 23 के बाद जो आपके कामों की गति धीमी हो गई थी, आप कुछ भी काम करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, चाहे आप व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो, आपके कोई काम रुक रहे थे, कामों में बाधाएं आ रही थी, लंबे समय से आपकी कोई इच्छा थी जिसकी आप पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब 17 जून 2023 के बाद, 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में आपके वो रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, आपके कामों की गति बढ़ सकती है, कामों की बाधाएं दूर हो सकती हैं, लंबे समय से कोई इच्छा थी उसकी पूर्ति हो सकती है, आपका कहीं पैसा रुका हुआ था, कहीं आपने पैसे दे रखे थे, वो पैसे के रुक गए थे और आप उसके आने का इंतजार कर रहे थे, तो आपको उस धन का लाभ भी हो सकता है। जो व्यापारी ऐसे चीजों में डील करते हैं, जैसे लोहे में, मशीन में, सीमेंट में, पत्थर में, कोयला में, चमड़ा में, ऐसे व्यापार से जुड़े लोगों को बहुत अधिक लाभ होने की संभावना है, क्योंकि जब शनि लाभ भाव को एक्टिवेट करते हैं तो इन लोहे के, मशीन के, सीमेंट के, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में बहुत अधिक फायदा होता है। अब हम बात करें कि मीन लगन व मीन राशि के लिए शुभ समय कैसा रहेगा। शुभ समय का मतलब है कि जब आपके लिए कैरियर से जुड़ी शुभ घटनाएं घट सकती हैं, जैसे आपके पास जॉब नहीं है, जॉब मिल सकती है, वर्तमान जॉब को बदल सकते हैं, आप अपनी प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि प्रमोशन के लिए समय इसलिए अच्छा है कि समय देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में चल रहे हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति धन भाव में चल रहे हैं और इधर शनि महाराज आपके लाभ भाव को एक्टिवेट कर देंगे, तो ये कम्बिनेशन कैरियर के लिए बहुत शुभ रहेगा। तो मेरा यह मानना है कि आपके कैरियर से जुड़ी शुभ घटनाएं घट सकती हैं 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में। ये वो समय है जब आपको जॉब मिल सकती है, आप अपनी वर्तमान जॉब को बदल सकते हैं, लंबे समय से अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे या विदेश में जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसके लिए भी समय अच्छा है, और अगर आप लंबे समय से अपने ट्रांसफर के लिए प्रयास रखते हैं तो आप अपने ट्रांसफर के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। वर्तमान समय में अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसका कोई डिसीजन आता है 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में, तो वो डिसीजन आपके लिए पॉजिटिव रहने की संभावना है। शनि महाराज का आपको आशीर्वाद मिल गया है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भी आपके छठे भाव को देख रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि द्वादेश वक्री हुआ है तो हो सकता है अस्पताल जाने की संभावना बढ़े, बीमारी पे खर्चा हो, साथ ही धन लाभ होने के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि 12वां भाव एक्टिवेट होने का रहता है कि हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा सामान आए जिसमें ज्यादा पैसा हो जाए, आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई घर में कोई लग्जरी आइटम आ जाए, यानी खर्चों की होने की संभावना बनी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि मीन लगन व मीन राशि की अगर हम बात करें तो मीन राशि जिस पर अभी शनि की 7.5 चल रही है, उनके लिए शनि महाराज का वक्री होना शुभ रहेगा। शनि महाराज का वक्री होना उनको राहत देगा 7.5 के समय में 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है, आप अगर स्टूडेंट हैं और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लग के तैयारी करिए, प्रतियोगिता परीक्षा में आपके सिलेक्शन की संभावना अच्छी बनती है। गुरु और शनि, क्योंकि गुरु इस समय आपके धन भाव में चली रहे हैं और आपके दशम को देख रहे हैं, और शनि महाराज जब आपके लाभ भाव को एक्टिव कर देंगे तो आपको कैरियर से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि मीन लगन व मीन राशि के लिए शनि का वक्री होना शुभ रहेगा।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।